खोलो सब खोल दो जब गाड़ी से निकालने से पहले मॉर्फिन देना। मॉर्फिन मैं मर जाऊंगा, मजाक नहीं कर रहा, अंदर खून जम गया शायद। नहीं 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 जमा है ये, लेकिन चल नहीं रहा। अब तो मेरा बहुत दर्द है यार। आपको मैं बता दूं यार, चीजें मुश्किल लग रही हैं और हैं भी सही। यहाँ पे हम सोच के आए थे कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा और हम निकल आएंगे, बट डे बाय डे ऐसा लग रहा है, डे बाय डे का कल ही आए हैं पाजी, और आज बहुत सारी चीजें समझ आने लग गई हैं। सो हेगा, अभी भी मिलके आए हैं भाई से, एंड आपको मैं बता दूं यार, चीजें मुश्किल लग रही हैं और हैं भी सही। यहाँ पे हम सोच के आए थे कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा और हम निकल आएंगे, बट डे बाय डे ऐसा लग रहा है, डे बाय डे का कल ही आए हैं पाजी, और आज बहुत सारी चीजें समझ आने लग गई हैं। सो बाकी हेल्थ की बात करें तो डॉक्टर से बात हुई है अभी, कल और परसों का दिन बहुत क्रिटिकल है, एंड वो अभी आईसीयू में ही है, और मिलने भी अभी बहुत लिमिटेड दे रहे हैं। जैसे हम अभी सुबह ये गए, दोपहर को मैं गया। सो आप सबकी हेल्प चाहिए इन फ्यूचर, हो सकता है हमें हेल्प चाहिए होगी, राइट? बिल्कुल, हम आपको बताएंगे, और वो हेल्प में आप लोगों को हमारा सपोर्ट भी करना पड़ेगा। हाँ, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है आप लोग, और अभी आप प्रे करो प्लीज, है ना, आप अभी प्रे करो, और इन फ्यूचर हमें आपकी हेल्प चाहिए हो सकती है। बहुत ज्यादा सीरियस है, डॉक्टरों ने बोला है कि एक बार ये अगले 3 दिन जो है ये निकल जाए, उसके बाद ये भाई की जो कंडीशन है वो नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि दोनों टांगों का जो ऑपरेशन जो है वो हो चुका हुआ है। जो उनकी कंडीशन है वो बहुत ज्यादा सीरियस है, उसका रीजन ये है कि भाई के अंदर जो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है ना, वो रीजन माना जा रहा है। और बहुत सारे लोग ये भी बातें बोल रहे हैं कि भाई जग प्रभजोत भाई को अरेस्ट कर लिया गया हुआ है। बहुत सारी ऐसी फेक न्यूज फैली हुई है इस भाई की वीडियो को लेके, तो मैं आप सभी को बता दूं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जग प्रभजोत भाई अभी हॉस्पिटल में हैं। लेकिन जो कहा जा रहा है कि जग प्रभजोत भाई को अरेस्ट किया गया है कि उनका जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें एक 79 ईयर ओल्ड एक नेपाली पर्सन की जो बुजुर्ग है उनकी डेथ हो चुकी हुई है, जिनकी ये 79 ईयर ओल्ड है। तो फिलहाल ऐसा कुछ भी अभी तक क्लियर निकल के नहीं आया है, कुछ न्यूज चैनलों वाले ये बातें बता रहे हैं कि डेथ जरूर हुई है किसी की, लेकिन ये कन्फर्म नहीं हुआ कि ये जो बात है सच है या फेक है, क्योंकि मैं तब तक इस बात को कंफर्म नहीं मानूंगा जब तक जग प्रभजोत की फैमिली की तरफ से ऐसा कोई भी वीडियो या कोई भी बात कही जाती है, तब तक मैं इस चीज को झूठी मानूंगा। और अभी ये भी बातें की जा रही हैं कि जग प्रभजोत भाई की जो मेंटल कंडीशन है वो भी बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि उनका जो भाई उनसे जब मिलने गया हॉस्पिटल में, तो जग प्रभजोत भाई कुछ भी बोली जा रहे थे उसका मतलब कोई मीनिंग नहीं बन रहा था, उससे पता चल रहा है कि भाई की जो मेंटल कंडीशन है उसके ऊपर भी असर हुआ है। भाई एकदम से इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाना तो मेंटल कंडीशन के ऊपर भी असर तो पड़ता ही पड़ता है। प्रभजोत भाई से अभी फाइनली मिल आए हैं, उनकी आधी बेहोशी की हालत थी, मतलब वो जवाब तो दे रहे थे बट उनको समझ नहीं आ रही थी वो क्या बोल रहे हैं, पाइप्स वगैरह लगी हुई थी ऑक्सीजन की, ग्लूकोज की, क्रूशल थे, मतलब अगले 3 दिन उनके क्रूशल बता रहे हैं, ऑपरेशन हो गया है। और बस ये है कि इस चीज़ की शांति थी कि हम फाइनली उनसे मिल आए हैं। बाकी यार आप सब प्रे करो, मतलब गुड विशेज आपकी चाहिए, जल्दी से रिकवर करें और हमारे साथ दिल्ली वापस जाए, आप सबकी दुआएं चाहिए यार। आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब जग प्रभजोत के लिए प्रे करें, आप सबको पता ही होगा जैसे उसका कल एक्सीडेंट हो गया है तो ही इज क्रिटिकल, तो हम भी बाबा जी के अगर अरदास करते हैं कि वो स्पीडी रिकवरी करें, गेट वेल सून जग प्रभजोत,
प्लीज उसके लिए अरदास करो, अरदासों में बहुत शक्ति है। वो किसी का भाई है, किसी का बेटा है, सच में उसको अरदासों की बहुत जरूरत है। प्लीज आप सब उससे प्यार करते हो तो उसके लिए अरदास जरूर करो। तो अब बारी आती है इस टकले की। अभी